हाय फ्रेंड्स, आज हम घी बनाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत मलाई इकट्ठी कर ली है। कम से कम एक महीने से मैं इकट्ठी कर रही थी। तो अब मैं इसे पलट लूँगी और एक मिक्सर के जार में अच्छी तरीके से इसे फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई भी जो लम्स हों वो इवन हो जाए। और फिर हम इसे कढ़ाई में गर्म करना शुरू कर देंगे। तो अब मैं इसे एक मिक्सी जार में पलट लेती हूँ। मैं मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके इन्हें फेंट लेती हूँ। तो मेरे पास इतना अच्छा क्रीमी जो ये है मलाई तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक नॉन स्टिक पैन में गर्म करना शुरू कर दूँगी। आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़ा सा छाछ या नमक या हल्दी मिला सकते हैं, अगर आपको थोड़ा पीला घी जो होता है वो जमाना है। वैसे तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, तो आप इसे गर्म करना शुरू कर सकते हैं। अब हम इस क्रीम को बिल्कुल गर्म कर लेंगे और जैसे ही ये साइड से गर्म होने लगे तो इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है, चलाना बंद नहीं करना है ताकि ये नीचे से जले ना। तो अब इसे कम से कम 1 मिनट लगेगा ऊपर साइड से इसे गर्म होने के लिए। अब देखिए ये साइड से गर्म होने लगा है, तो अब हमें इसे चलाते रहना होगा और ये अपने आप ही साइड में फिर घी छोड़ने लग जाएगा। तो इस तरह आप इसे चलाते रहें और इसमें कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। अभी 3 मिनट ही हुए हैं, पर हम फिर से इसको साइड से चलाते रहेंगे ताकि साइड में मलाई जल ना जाए। और कम से कम 10 मिनट बाद इसकी साइड में घी निकलने लगेगा। देखिए अब 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और ये बिल्कुल ही घी बनने लगा है। आप साइड में घी उबलता हुआ भी देख सकते हैं और हर तरफ से इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस अब और 10 मिनट लगेंगे और लगभग 20-22 मिनट में पूरा घी बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल ही निकल चुका है और इसके नीचे खोआ भी बनने लगा है। हल्का सा लग भी गया था क्योंकि मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया था, पर इस खोआ और जले हुए खुरचन से भी हम घी निकाल लेंगे। तो इसे अभी और थोड़ा ब्राउन होने देते हैं कि घी पूरा निकल जाए और फिर इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे। ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है तो मैं गैस बंद करके घी छन्नी से छान लूँगी। अभी देखिए मैंने बिल्कुल छान लिया है और दबा के मैं इसे घी को और निकाल लूँगी नीचे। और फिर इस खोए का और घी हम बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो हमारे पास छन्नी में खोआ बचा है इसमें हम फिर से पैन में डालेंगे और 1 ग्लास ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा डिजॉल्व हो जाए। और फिर इसे फिर से दोबारा गर्म करेंगे घी निकालने के लिए। देखिए मैंने इसमें पानी डालना है, पानी डाल के इसे मैं फिर से पका लूँगी। तो इसमें मैंने फिर से ये ब्रेक डाउन होगा और इसमें से और घी निकलेगा, जैसे आप ये देख रहे हैं और घी तैर रहा है इसमें। और इसको अच्छे से एक बार गर्म कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे उबल जाएगा, इसके ऊपर घी आने लग जाएगा। तो इसे हम छान के फ्रिज में ठंडा कर लेंगे और ऊपर वाला फिर घी आराम से निकाल लेंगे। अब इसे भी हमने छान लिया है पर इसे हम ठंडा होने देंगे और ऊपर का जो खोआ है उसे और नहीं छोड़ेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं थोड़े घी जम गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से घी नहीं बना होगा। तो इसे हम फ्रिज में ठंडा करके फिर से इसे घी बनाएंगे। तो थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं अभी। अब 5 घंटे हो चुके हैं तो ये तो हमारा फर्स्ट घी है जो ऐसे ही निकल आया था और ये हमने फ्रिज में रख दिया था। तो इसको हल्के हाथ से या चम्मच से आप ऊपर की का घी निकाल लें, जो ऊपर जम गया होगा वो घी होगा। जिसका पानी निकालते हुए इसे आप निकाल लें और फिर से गर्म करने के बाद ये बिल्कुल सेम उसी घी की तरह हो जाएगा। तो पहले मैं इसकी पूरी परत निकाल लेती हूँ और उसकी भी।
तो ये देखिए घी निकल आया है, इसे हम गर्म कर लेंगे और फिर से उसी डब्बे में रख देंगे। बिल्कुल उसी घी की तरह ये लगेगा। और इसका ये जो नीचे का पानी है दूध का, वो भी निकल आया है। तो ये पानी हम आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर और इसमें बहुत ज़्यादा घी और फैट और बहुत प्रोटीन होता है, तो इसे डिस्कार्ड नहीं करिए, इसको आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग हमारे पास आधा किलो क्रीम होगी या मलाई होगी, और ये 125 ml है, और ये भी उतना ही होगा, उससे यानी 250 ml घी निकल आया होगा। और इसी तरह आप आराम से घर से घी बना सकते हैं।